हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलिथिक गेमिंग एंड टेक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक ट्रेन की टक्कर इस दीवार से, और फिर उसमें हम देखने वाले हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और ट्रेन पे कैसे उसका रियलिस्टिक फिजिक्स सिमुलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया रेल के ट्रैक पर, और यहाँ पर ट्रेन आ रही है, और अभी देखते हैं कि ये पहले तो ये ट्रेन इस गाड़ी को टक्कर मारेगी और इसको लेके जाएगी, फिर हम देखते हैं कि आगे दीवार पर टकरा के क्या होता है। तो ट्रेन ने गाड़ी को टक्कर मार दी है और ये इसको घसीट के लेके जा रही है गाड़ी को। अभी हम गाड़ी के व्यू से देख रहे हैं कि ऐसे ये जा रही है। अब देखते हैं ये होती है अभी इनकी टक्कर, और फिर देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रेन के ऊपर। तो ट्रेन की स्पीड कम हो चुकी है गाड़ी को टक्कर मारने से, गाड़ी को पूरा पिचका दिया है। इस तरह से ये टक्कर होती है। अभी चलिए वापस इसको दूसरा वीडियो देखते हैं, दूसरी ट्रेन के ऊपर ट्राई करते हैं यही सेम चीज़। इस टाइम पे हम सिर्फ ओनली ट्रेन के इंजन को यूज कर रहे हैं, पूरी ट्रेन नहीं। अगर ओनली इंजन अगर इस तरह से टकराता है तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा वहाँ से टकरा के, क्योंकि उसके पीछे कोई भी डब्बे नहीं है, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ट्रेन है, ये ट्रेन पहले जो ट्रेन थी उससे ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हमें सामने ट्रेन के अंदर से दीवार दिख रही है और इसकी टक्कर अभी होने वाली है, तो देखते हैं कि क्या होता है इसकी टक्कर से। ये होती है टक्कर, और ये देखिए पूरी ट्रेन जो है वो ख़राब हो चुकी है, तहस नहस हो गई है। और ये आगे इसलिए गई क्योंकि इसके पीछे चार डब्बे और लगे थे और स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से पीछे से इस पर ज़्यादा फोर्स लगा और ये ट्रेन के आगे चला गया। आप रिवर्स में देख सकते हैं। अब देखिए, अब इस ट्रेन को देखते हैं, इसकी स्पीड और भी ज़्यादा है, इस पर डब्बे भले ही दो हैं लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पूरी टकरा के टूट गई है पूरी ट्रेन। आप बस फिर से देखते हैं एक बार इसको रिवर्स करके। तो ये देखिए फिर से पूरी ट्रेन टूट चुकी है। ठीक है, तो ये है और ये ट्रेन हमारी आ रही है। तो दोस्तों, ये एक रियल लाइफ फिजिक्स सिमुलेशन बेस्ड गेम है, तो इसमें एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है वही ये सिमुलेट करता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।